नमस्कार और आप देख रहे हैं WWE न्यूज़ हिंदी यूट्यूब चैनल। तो गाइज, रोमन रेंस को है पॉल हेमन के ऊपर पूरा पूरा शक और अब शायद वह समय दूर नहीं जब रोमन रेंस पॉल हेमन को फायर करते हुए नजर आए। तो क्या कुछ हुआ रोमन रेंस और पॉल हेमन के बीच और मैं ये सब चीज़ें क्यों बोल रहा हूँ, यह जानने के लिए बने रहिएगा हमारे साथ वीडियो के अंत तक। तो जैसे कि 17 सितंबर की फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन के दौरान एक बैक स्टेज सेगमेंट में हमने देखा कि रोमन रेंस और पॉल हेमन द उशोज वर्सेस बिग ई एंड फिन बेलर का मैच देख रहे होते हैं, जहां पर उशोज हार जाते हैं, जिसके बाद रोमन रेंस पॉल हेमन से कहते हैं कि पॉल क्या तुम मुझे कुछ बताना चाहते हो, जिस पर पॉल हेमन का जवाब ना होता है। तो रोमन रेंस कहते हैं कि क्या सच में तुम्हारे पास ऐसी कोई बात नहीं है जो मुझे पता होनी चाहिए, जिस पर भी पॉल हेमन कहते हैं कि नहीं ट्राइबल चीफ, ऐसी कोई बात नहीं है। तो रोमन रेंस कहते हैं कि कोई ऐसी बात जो तुम्हें लगता है कि मुझे पता है तो भी तुम मुझे दोबारा बता सकते हो। तो यहाँ पर रोमन रेंस पॉल हेमन से यही कहलवाना चाहते हैं कि उन्हें पता था कि ब्रोक लेसनर समरस्लैम में आने वाला है, जिस पर पॉल हेमन कहते हैं कि ट्राइबल चीफ, मैं दिल और जान से आपकी रिस्पेक्ट करता हूँ, मुझे पता है कि आप क्या कहना चाहते हैं, लेकिन मुझे सच में ही पता नहीं था कि ब्रोक लेसनर समरस्लैम में आने वाला है। आगे पॉल हेमन कहते हैं कि ट्राइबल चीफ, मुझे पता है कि ब्रोक लेसनर आपसे डरता है, ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैंने ब्रोक लेसनर को आज तक इससे पहले कभी भी नए कैरेक्टर और नए लुक में नहीं देखा, और ब्रोक लेसनर पहली बार लंबे बाल और दाढ़ी के साथ आया है, और मैं समझ चुका हूँ कि अब वह ट्राइबल चीफ रोमन रेंस से डरने लगा है। जिस पर रोमन रेंस कहते हैं कि अच्छा सच में, तो यह बताओ कि क्या वह एक्सट्रीम रूल्स में आने वाला है, जिस पर पॉल हेमन हंसते हुए कहते हैं कि नहीं ट्राइबल चीफ। तो रोमन रेंस यहाँ पर पॉल हेमन को बातों ही बातों में घेर कर पूछते हैं कि तुम्हें कैसे पता कि वह एक्सट्रीम रूल्स में नहीं आने वाला है। तो भाई यहाँ पर पॉल हेमन का चेहरा एकदम मुरझा जाता है। पॉल हेमन कहते हैं कि मुझे पता नहीं है, लेकिन मैं ये जानता हूँ कि वह आपसे डरता है इसलिए नहीं आएगा। तो यहाँ पर रोमन रेंस भी थोड़ा गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं कि मैं तुझे पैसे इसलिए खिलाता हूँ ताकि तू हर चीज़ एडवांस में ध्यान रखे। तो यहाँ पर यह सारी बातें होती हैं रोमन रेंस और पॉल हेमन के बीच। तो भाई अब रोमन रेंस ने भी इस बात के संकेत देने शुरू कर दिए हैं कि वह जल्द ही पॉल हेमन की छुट्टी कर सकते हैं, और भाई पॉल हेमन तो दो मुँह सांप की तरह हैं, वह कभी भी किसी की साइड हो जाते हैं। तो हमने पहले भी उन्हें अपने क्लाइंट को धोखा देते हुए देखा है, तो ऐसे में वह रोमन रेंस के साथ कुछ ऐसा करते हुए नजर आते हैं, तो इसमें कोई नई बात नहीं होगी। हालांकि देखना यह होगा कि रोमन रेंस पॉल हेमन को फायर करेंगे या फिर पॉल हेमन रोमन रेंस को धोखा देंगे। तो गाइज इस पर क्या है आपके ख्याल, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे कर दीजिएगा लाइक और शेयर। जल्दी मिलेंगे अगली वीडियो में। धन्यवाद।